हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास टेंथ का जो विषय है हिंदी ए, ठीक है। इसका एक मॉडल सेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले बता दूं, जिन दोस्तों ने चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए खंड क में पूछा जाएगा आप लोगों को अपठित गद्यांश से 8 मार्क और अपठित काव्यांश से 7 मार्क, ठीक है। टोटल जो है 15 मार्क आप लोगों को एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा, यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, ठीक है। मैं पैसे जो गद्यांश दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, मैं पैसेज को नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग को यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको पढ़ना है ठीक से, और इसका जो क्वेश्चन रहेगा मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोगों को आंसर निकालना है, ठीक है, और रेडी रखना है एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, आत्मनिर्भर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। ख देखिए लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। तीसरा देखिए स्वावलंबन जीवन का क्या है। चौथा देखिए जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग को इस गद्यांश में दिखने को मिलेगा। गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को और यहाँ से आंसर आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो गद्यांश को देखिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और अपने मोबाइल में रखिए। इसको अच्छे से पढ़ना और इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को निकालना है, ठीक है। मैं खाली आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ऐसा एक काव्यांश दिया रहेगा, देख पा रहे हैं आप लोग, काव्यांश मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसा काव्यांश दिया रहेगा और यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। क्वेश्चन जैसे बना हुआ है, कभी दो क्षण के लिए मिली खुशी पर हंसने के लिए क्यों कह रहे थे, क्यों कह रहे हैं। ख देखिए इस काव्यांश में संसार की किस वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है। ग देखिए धरती का कण कण कौन सी गाथा सुनाता रहा है। घ देखिए यदि तुम्हें मुस्कान मिली है तो क्या करना चाहिए। अंग देखिए आनंद और गगन का अर्थ लिखिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आप लोगों को दिखने को मिलेगा। इस काव्यांश से आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर निकाल करके आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खंड ख में व्यावहारिक व्याकरण जो है 15 मार्क का रहेगा। व्याकरण को अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि क देखिए बोला जाएगा आप लोगों को कि माली फूल तोड़ रहा है, क्रिया के भेद का नाम लिखिए। ख देखिए बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, क्रियापद छांट कर लिखिए। यहाँ से आप लोगों को क्रियापद छांटना है। ग देखिए माँ भोजन बना रही है, क्रियापद छांट कर लिखिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए, पता नहीं वह डैश चल गया। ख देखिए मैंने तो डैश नहीं किया। ग देखिए अनुराग डैश विद्यालय जाता है। घ देखिए वह डैश सच बोलता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिखाने से पहले दोस्तों बता दूं, वीडियो का अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि अपने दोस्तों के पास पहुंच सके। और जो चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। ख में बोला गया है परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, मिश्र वाक्य में बदलना है, ठीक है, मिश्र वाक्य में बदलना है। ग देखिए छत पर कैसे सोओगे, भाव वाच्य में बदलें। घ देखिए मैं भोजन कर रहा हूँ, यह किस प्रकार का वाच्य है। दोस्तों ग्रामर का जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ सेम क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास 8th में जो एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, वहां से 80 से 90% देखा जाए तो मॉडल पेपर से ही पूछा गया है, जो जैक द्वारा जारी किया गया था, और जिस जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, धर्माधर्म का समास विग्रह करें।
ख देखिए शरणागत कौन समास है, ग देखिए अवैभाव समास का एक उदाहरण दीजिए, घ देखिए काल के दो भिन्न अर्थ लिखिए। ठीक है, ये 15 मार्क का था जो खंड ख में। खंड ग में देखिए, खंड ग में जो है पाठ्य पुस्तकों से 30 मार्क का है। ठीक है, एक ऐसा गद्यांश दिया रहेगा, आप लोगों को पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। देखिए क देखिए बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, ख देखिए बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी, ग देखिए भगत जी गले में क्या पहनते थे। ठीक है, अथवा दिया रहेगा, दोनों में सब किसी को बना सकते हैं। और एक गद्यांश देखिए, ये भी गद्यांश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से पाठ से ये मतलब पेसेज जो है गद्यांश जो है यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो किताब में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, फादर को याद करना शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों है। ख देखिए परिमल से आप क्या समझते हैं, परिमल में क्या होता है। ग देखिए फादर का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, इस पेसेज से इस गद्यांश से आप लोगों को पढ़ना है और इसका आंसर जो है देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क्वेश्चन देखिए, हलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुक कर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहराते हैं। ख देखिए परिमल से आप क्या समझते हैं, सॉरी ये होगा लखनवी अंदाज पाठ में क्या विचार व्यक्त किया गया है। गौ देखिए वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। घ देखिए बिस्मिल्ला खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को काव्यांश दिखने को मिलेगा, इस काव्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर देना है। काव्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने उनसे क्या कहा। ख देखिए श्री राम की विनम्रता पर परशुराम ने क्या कहा। ग देखिए यह काव्यांश किस भाषा में वर्णित है। यहाँ भी अथवा दिया रहेगा आप लोगों के लिए ऐसा। ठीक है, और एक काव्यांश देखिए, इसका क्वेश्चन जो है इसको आप लोग पढ़ना है तो पता है आप लोगों को कौन सा पाठ से आया है। फसल क्या है और तू तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन बनाया गया है। कवि के अनुसार फसल क्या है, दूसरा देखिए नदियों के पानी का जादू का क्या तात्पर्य है, गौ देखिए रूपांतर है सूरज की किरणों का क्या आशय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क्वेश्चन क देखिए उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ख देखिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। गौ देखिए मृत तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। घ देखिए आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, इसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। अथवा दिया रहेगा आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए खंड घ में, देखिए खंड घ से आप लोगों को 20 मार्क का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध जो है परिश्रम का महत्व है, दूसरा है भारतीय किसान, तीसरा है हमारा राज्य झारखंड। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में। और यहाँ से आप लोग के क्या लिखना है, आप लोग को पहले भौगोलिक स्थिति दिखाना है, जैसे हमारा झारखंड से वन संपदा कृषि जनजीवन और उपसंहार दिखाना है, और परिश्रम का महत्व से आप लोग को दिखाना है, परिश्रम का अर्थ, परिश्रम का महत्व, शारीरिक और मानसिक श्रम। भारतीय किसान से परिश्रमी जीवन, दयनीय दशा, सुधार के उपाय और उपसंहार। ठीक है,
ऐसा आप लोग को अच्छे से एक निबंध को सजा करके लिखना है 250 शब्दों में। यहाँ से आप लोग को 10 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, अथवा दिया रहेगा अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए अपने जिले के उपायुक्त को एक अनुरोध पत्र लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अंतिम क्वेश्चन रहेगा 14 में, अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए, अथवा पतंजलि हर्बल साबुन की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन प्रस्तुत कीजिए। एक अंतिम क्वेश्चन जो देगा, एक विज्ञापन आप लोगों को प्रस्तुत करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये था टोटल जो है 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस सारे के सारे जो क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना ताकि एग्जाम में आप लोगों का अच्छे मार्क आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना दूर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।